वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज की रेसिपी चिली फिश। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस 10-12 पीस फ्राई किया हुआ फिश। इसमें मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल के फ्राई कर लिया है। अब पैन को गर्म करेंगे और उसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 7-8 चॉप किया हुआ लहसुन, और इसे थोड़ा सा भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। जीरा और लहसुन भून चुका है। अब तेल में 3-4 चीरा लगा के हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का चौकोर शेप में कटा हुआ प्याज और आधा शिमला मिर्च डालेंगे और इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। इसी के साथ 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर कलर के लिए, और एक बड़े साइज़ का टमाटर डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे सारी चीज़ों को चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून विनीगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1.5 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस और 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। सारी चीज़ें मिक्स हो चुका है। अब 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में 1/2 कप पानी डाल के मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे और मिक्स कर देंगे। ग्रेवी आपको जितना रखना है पानी आप उतना इसमें ऐड कर लीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और जब ग्रेवी में 1 उबाल आ जाए तब इसमें हम फिश फ्राई ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। फिश फ्राई अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स हो चुका है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे। हमारा चिली फिश बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्व करेंगे। चिली फिश खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए और पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।